हर साल भोपाल में 1 जून को शासकीय अवकाश रहेगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को भोपाल गौरव दिवस के मौके पर की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का कहना है कि 1 जून को भोपाल का केवल गौरव दिवस ही नहीं बल्कि स्वतंत्रता दिवस भी है। आखिर क्यों कहा मुख्यमंत्री ने भोपाल गौरव दिवस को भोपाल का स्वतंत्र दिवस, आइए जानते हैं विस्तार से। 1948 में भोपाल राज्य की भारत में विलय की मांग उठने लगी, जिसके नेतृत्व में भाई रतन कुमार और अक्षय कुमार, पत्रकार प्रेम श्रीवास्तव, सूरजमल जैन, मथुरा प्रसाद, बालकृष्ण गुप्त, मोहिनी देवी, शांति देवी और बसंती देवी आदि लोग सम्मिलित थे। इस आंदोलन को गति देने के लिए भाई रतन कुमार और उनके सहयोगियों ने नई राह नामक अखबार निकाला। इस आंदोलन का केंद्र जुमेराती स्थित रतन कुटी था, जहां नई राह अखबार का कार्यालय भी था, परंतु नवाब के आदेश पर इस कार्यालय को बंद कर दिया गया। तब होशंगाबाद से एडवोकेट बाबूलाल वर्मा के घर से भूमिगत होकर आंदोलन चलाया गया था। अंततः जनता का दबाव देख कर सरदार पटेल ने हस्तक्षेप किया, जिसके कारण भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खां को विवश होकर विलय समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े। इस प्रकार भोपाल 1 जून 1949 को भारत में सम्मिलित हो गया। ये भोपाल केवल नवाबों का शहर नहीं है, ये भोपाल था राजा भोज का बसाया हुआ भोजपाल। राजा भोज ने शहर बसाया, और केवल राजा भोज नहीं, सुशासन के सूत्र राजा भोज ने दिए। भोपाल सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि काल है, और यह काल कमाल भी है और बेमिसाल भी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, विशेषकर नौजवानों को, दोस्त मोहम्मद खान एक अफगान ने धोखे से रानी कमलापति से यह भोपाल छीना था। रानी के बेटे भी बहादुरी के साथ लड़े, और जब लगा के रानी की फौजें हार रही है तो रानी कमलापति जी ने छोटे तालाब में जल समाधि ले ली थी अपने स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा के खातिर। आज मैं रानी कमलापति जी को भी प्रणाम करता हूं।